हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे पास मारुति सुजुकी इको एंड ये जो वेरिएंट है 1.2 लीटर वाला 5 सीटर एसी वेरिएंट है। बात करते हैं गाड़ी की। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर। अगर आप जबलपुर के आसपास रहते हो एंड सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप यहाँ शोरूम विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाबी से। चाबी कुछ आपको ऐसी मिल जाएगी, सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी उस चाबी में एंड यहाँ आपको प्लेन की मिल जाएगी। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको इसमें नहीं मिलती है। बात करते हैं गाड़ी की डिटेल की। तो सबसे पहले इसके हेडलैम्प बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक सिंगल बल्ब मिल जाएगा जो कि अपर डिपर दोनों का काम करेगा एंड ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिकेटर। इसका बम्पर एंड ये जो ग्रिल है पूरी ब्लैक मैट में फिनिश मिल जाएगी आपको एंड यहाँ पर आप फॉग लैम्प अलग से लगवा सकते हो। सेंटर पर आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी क्रोम में। एंड मैं आपको इसके बोनेट के अंदर बताता हूँ बोनेट में क्या क्या मिलता है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको ड्राइवर डोर से यहाँ पे बोनेट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे अगेन आपको एक लीवर दिया जाता है जिसको आप प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाता है। ये वाला लीवर आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर आपको रेडिएटर वगैरह मिल जाता है, ये हो गया आपका वॉशर फ्लूइड एंड ये हो गया आपका कूलेंट का डब्बा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती है। इंजन आपको इसका मिलता है ड्राइवर सीट के नीचे, तो वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसको क्लोज़ करते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो वॉशर्स मिल जाएंगे जो कि इस प्लास्टिक पार्ट में दिए गए हैं। ये होगा आपके दो वाइपर एंड कुछ ऐसा ग्लास एरिया आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ 155R13 इंचेस का कुछ सेटअप मिल जाएगा आपको। स्टील रिम्स मिल जाएंगे आपको सिल्वर फिनिश में एंड ये कैप मिल जाएगी व्हील कैप जिसमें आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा ब्लैक में। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। फेंडर पर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गए आपके साइड मिरर्स जो कि पूरे मैनुअली एडजस्टेबल है, आपको हाथ से ही पूरा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप जो डोर हैंडल्स देख रहे हो वो आपको ब्लैक मैट में फिनिश मिल जाएंगे। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जो जगह दी गई है आप इसमें FM का एंटीना लगवा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इसमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो यहाँ से आपको चाबी से ही ओपन करना पड़ेगा। चाबी से आप ओपन करोगे ये कैप देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी कैपेसिटी है 32 लीटर्स की एंड आपको एवरेज मिल जाएगा 19.71 का। इसके रियर डोर की बात करते हैं तो डोर में आपको यहाँ नॉब दी गई है, इसको आपको प्रेस करना है एंड पीछे पुश करना है तो ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाता है तो आपको चढ़ने उतरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको क्लोज़ करते हैं एंड आपका ये दिया गया है रियर वाला ग्लास, तो ये ग्लास जो है ये आपका ओपन नहीं होता है, ये ऐसे ही फिक्स रहता है। ये जो आपको चैनल दिख रहा है ये बीच वाले डोर के स्लाइडिंग के लिए रहता है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो वही 13 इंचेस का सेटअप आपको इसमें ही मिल जाएगा। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे आपको मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक्स। अब मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। सबसे पहले इसके टेल लैम्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग और ब्रेक लैम्प मिल जाएगा। ये हो गया आपका इंडिकेटर एंड यहाँ पर हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर वाली लाइट। सेंटर पर आपको ये जो दिख रहा है ये हो गया आपका रिफ्लेक्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश में ये पट्टी मिल जाएगी। यहाँ पे मिल जाएगी आपको इको की बैजिंग। ये कुछ हो गया आपका ग्लास एरिया, ऐसा कुछ प्लेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको मिल जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड बम्पर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे है, एक यहाँ पे मिल जाएगा। वो हो गया आपका साइलेंसर एंड इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। बूट ओपन करने के लिए आपको चाबी यहाँ घुमानी है एंड यहाँ पर दिया गया है आपको लीवर, उसको आप प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बूट काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है इसमें। लोग यहाँ एडिशनली सीट्स लगवा लेते हैं बाहर से जाके, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप अलग से वो लगा सकते हो, नहीं तो इसका 7 सीटर वेरिएंट है वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो स्पेस है 510 लीटर्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन पेपर 510 है बट ये पूरा बॉक्सी शेप में है तो काफ़ी अच्छे से आप अपना सामान एडजस्ट करके यहाँ पे फिट कर सकते हो। इसको क्लोज करते हैं एंड ये तरफ वाला सेक्शन दिखाता हूँ। वही सेम सारी चीज़ें जो मैंने आपको उस तरफ बताई वैसे कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इसका पैसेंजर सीट और देख लेते हैं इस तरफ से। तो पैसेंजर सीट में आपको यहाँ पर ये बटन दी गई है जिससे आप टिल्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो एंड डोर पे आपको ये पावर विंडोज़ नहीं मिलते हैं, आपको मैनुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका लीवर दरवाज़ा खोलने के लिए, ये हो गया आपका ग्रैब हैंडल एंड ये आपको नॉब मिल जाती है। नॉब कई लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है ओल्ड स्कूल, तो इससे आप दरवाज़ा लॉक अनलॉक कर सकते हो इस नॉब के थ्रू। तो इसको बंद करते हैं एंड चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पर ड्राइवर साइड से। तो यहाँ जाते हैं ड्राइवर साइड पर अपन। इसको ओपन करके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंजन। इंजन ओपन करने के लिए आपको ये जो कपड़ा दिया गया है इसको हटाना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लीवर रेड वाला जो दिया है उसको आपको ऐसे प्रेस करना है, ये हो जाएगा ओपन लॉक। ये एक आपने कर लिया, दूसरा भी कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, ये हो जाएंगे दोनों ओपन। उसके बाद ये सीट खुल जाएगी कुछ इस तरीके से एंड आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा इंजन जो कि है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 80 BHP एंड 104 Nm ऑफ टॉर्क।
इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स बताता हूँ मैं आपको। इसको क्लोज करने के लिए भी सेम तरीके से आपको ये लीवर को ऊपर फंसाना पड़ेगा एंड इसको ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा। मैं करके बताता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करना पड़ेगा तो ये कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। इसके बाद ड्राइवर डोर पे भी आपको सेम चीज़ें जो मैंने उस तरह बताई थी, मैनुअल विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे, ये लीवर मिल जाएगा ओपन करने के लिए, ये होगी आपका ग्रैब हैंडल एंड लॉक अनलॉक की बटन मिल जाएगी। इसमें चाबी लगाते हैं एंड बैठ के मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, नीचे आपको तीन पैडल देखने के लिए मिल जाएंगे, मैनुअल मॉडल आता है तो एक्सीलेटर ब्रेक क्लच एंड ड्राइवर सीट आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, कोई भी इशू नहीं होगा आपको। अब गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ, मेरी हाइट है 6'2", मैं गाड़ी को कर लेता हूँ कम्प्लीटली सीट पीछे, ये सीट मैंने पीछे कर ली है अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। थाई सपोर्ट मुझे हल्का सा कम मिल रहा है, मेरी हाइट है 6'2", आपकी हाइट इससे कम होगी तो आपको बहुत ही अच्छा थाई सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद सीट कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा बेसिक, इसमें कोई भी बटन वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये हो गया आपका हॉर्न एंड यहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो। साथ ही साथ इसमें अभी नए वाले जो BS6 मॉडल्स हैं इको में एयरबैग भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक एयरबैग यहाँ मिल जाएगा एंड दूसरा एयरबैग आपको यहाँ पैसेंजर के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। चाबी ऑन करके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ एक सिंगल बटन दी गई है जिसके थ्रू आप ट्रिप मीटर वगैरह देख सकते हो एंड अपना ओडोमीटर देख सकते हो। अभी गाड़ी नई है तो सिर्फ 8 किलोमीटर चली हुई है, ऊपर आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर एंड यहाँ पे आपके सारे बेसिक वार्निंग साइंस आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो लीवर दिया गया है इससे आपके सारे वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे, राइट साइड वाले से आपके सारे हेडलाइट और इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो AC वेंट दिया गया है, ऊपर हो गया आपका डिफॉगर एंड इसमें आपको स्पीकर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा आपको उस तरफ मिल जाएगा जो कि आपको एडिशनली लगवाना पड़ेगा, इस वाले मॉडल में आपका कोई भी प्लेयर वगैरह नहीं आता है। सेंटर कंसोल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको हैजार्ड बटन मिल जाएगी, 2 AC वेंट मिल जाएंगे एंड ये मिल जाएगा आपको मैनुअल AC, तो AC ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये AC के आपके मोड हो जाएंगे, ये हो गई आपकी फ़ैन की स्पीड एंड यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। नीचे ये जो आपको लीवर दिया गया है वो एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ करने के लिए दिया गया है, अगर आप बारिश में या डिफॉगर यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा एयर सर्कुलेशन ऑफ ही करना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा भी होता है, ये देखिए यूज़ विद दिस, तो जैसे ही आप डिफॉगर करते हो तो आपको एयर सर्कुलेशन ऑफ करके ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट वाला चार्जर मिल जाएगा एंड यहाँ कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5-speed फ्रंट एंड 1 reverse, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा एंड ये दो जो छोटे छोटे नॉब दिख रहे हैं इससे आप गाड़ी का टेल्ट एडजस्टमेंट सेट कर सकते हो, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे सीट आपकी पीछे और आगे हो जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, कॉर्नर पे आपको एक AC वेंट, डिफॉगर एंड वहाँ पे स्पीकर, ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे गाड़ी में आपको सारे पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है जनरली मैक्सिमम गाड़ियों में। सन वाइज़र देखेंगे तो ये वाला तो प्लेन दिया गया है एंड पैसेंजर वाला भी आपको प्लेन ही मिलता है। उसके बाद ये जो है आपका IRVM, ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक कंट्रोल या बटन नहीं दी गई है। ये हो गई आपकी कैबिन लाइट, इस तरफ से परमानेंट ऑन हो जाएगी, इस तरफ करोगे तो डोर ओपन क्लोज पे हो जाएगी एंड इस तरफ से परमानेंट ऑफ हो जाएगी। तो फ्रंट कैबिन कुछ ऐसा था इसका ओवरऑल। मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे, इसको क्लोज करते हैं। इसको ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल आपको स्लाइड करना है, पुश करके ओपन हो जाएगा। ये स्पेस आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, मैं बैठ के देखता हूँ तो स्पेस तो मेरी हाइट 6'2" है, ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी तो यहाँ तो स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। थाई सपोर्ट हाँ मुझे आगे वाले सीट की कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर आपकी हाइट 5'8" 5'10" तक है तो आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिलेगा, वरना थोड़ा सा स्ट्रगल होगा इस चीज़ में। उसके बाद इसके साइड वाले विंडोज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपके विंडोज़ एक बार में पूरे ओपन नहीं होंगे, आपको अगर ओपन करना है तो एक बार जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये यहाँ पर आके फंस जाएगा, उसके बाद आपको आधा इसको रोल बैक करना है एंड देन फिर से आप घुमाओगे तो ये फिर कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये नॉब मिल जाएगी दरवाज़ा ओपन करने के लिए, ये लीवर मिल जाएगा दरवाज़ा लॉक करने के लिए एंड ये हो गया विंडो ओपन करने के लिए आपका, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड सीट्स की बात करते हैं तो आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि इसमें इंटीग्रेटेड है, ये मूवेबल नहीं है। बाकी स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं एंड बूट स्पेस तो आपको भर भर के दिया गया है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा रिव्यू था इसका, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड बात करते हैं अब इसके प्राइस की, तो 5.68 इसका एक्स शोरूम है, ऑन रोड प्राइस आपके सिटी और टैक्सेस के हिसाब से वेरी कर सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।